नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। अगर आप एक टीचर हैं और आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप ग्राफिक्स के थ्रू आप कोई एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप टीचर हैं और आप भी एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डिवाइस लेकर मैं आया हूँ और उस डिवाइस का नाम है एक्सपी पेन डेको 01V2। आज इसी डिवाइस की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ कंपनी ने दी है और किस प्रकार से उसको असेंबल किया जा सकता है। चलिए जानते हैं। यह है एक्सपी पेन डेको। ये देखिए एक्सपी पेन मिल जाएगा आपको। ये इसकी एक्सपी पेन, ओके, यहाँ पे इसका लिखा हुआ है सब कुछ, डेको 01V2, यानी ये V2 मॉडल है। अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। देखिए अनबॉक्स, ये देखिए ब्लू कलर का बहुत शानदार आपको ये दे रखा है। देखिए अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, कंपनी ने क्या क्या चीज़ आपको दी है। ठीक है, ये हमने ओपन किया। सबसे पहले आपको ये आपका जो पेंटेव है वो अब सबसे ऊपर रखा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग हटा देते हैं। अब देखते हैं कि आप कौन सी चीज़ आपको दे रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हमको ये स्क्रीन मिलेगी, यानी स्क्रीन गार्ड है ये, जो कि आप टेप के ऊपर जब लगाते हो तो किसी प्रकार की स्क्रैच नहीं आते। फिर देखते हैं दूसरे नंबर, ये पेन है, बहुत ही अच्छा है पेन दिखने में। देखिए अगर हम इसको पकड़ते हैं तो इसकी ग्रिप्स बहुत अच्छी बन रही है, इसका मतलब ये कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के हिसाब से ये ग्रिप जो है बहुत अच्छी है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो भी आपके लिए पेन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो दिखने में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एक्सपी पेन। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैटरी नहीं लगती, बिना बैटरी के चलता है, लॉन्ग टाइम चलता है, जितना आपको यूज़ करना आप कर सकते हो। इसको गिराया नहीं तो आप बहुत लंबे समय तक इसका यूज़ कर सकते हो। फिर देखते हैं ये क्या चीज़ है, इसको भी अपन ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं तो ये आपको मिलता है एक पेन स्टैंड। ये देखिए पेन स्टैंड है, इसका आप अपने यहाँ पर रख सकते हो और इस पेन को आप दो टाइप से आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए रखा है, आप इस पेन को इस टाइप से भी रख सकते हो और अगर चाहें तो आप इस पेन को इस टाइप से भी आप रख सकते हो। जैसा आप चाहें उस टाइप से इस पेन को आप रख सकते हो। आप देखते हैं, ये देखिए ये आपको दो कनेक्टर मिलते हैं, ये दोनों कनेक्टर है, दो टाइप के कनेक्टर है, एक तो सी टाइप है और एक जो हमारा नॉर्मल होता है वो है। मैं आपको अंदर से बता देता हूँ कैसा है ये। ये देखिए ये दो OTG कनेक्टर बोलते हैं इसको। आप अगर आपका मोबाइल में सी टाइप लगता है तो आप सी टाइप लगा सकते हो, अगर नॉर्मल वाला लगता है तो नॉर्मल वाला लगा सकते हो। ये आपको खासकर मोबाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए ये कनेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, ये कनेक्टर हो गए, इसको भी हम साइड में रखते हैं अभी। फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ और दे रखी है। इसको ओपन करते हैं अब। ये तो आप जानते ही है, ये आपका कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, ये देखिए ये आप कंप्यूटर में लगाने के लिए, लैपटॉप में लगाने के लिए, और ये आपका डिवाइस में लगाने के लिए। ओके, ये आपका हो गया अगली चीज़ें। ठीक है, अब मैं आपको और बताता हूँ और क्या दे रखा है इसमें। ये निब्स है जो पेन के अंदर लगती है। अगर मान लीजिए पेन आपका चलते चलते कभी आपकी ये निब ख़राब हो जाए तो आप इसमें 12 निब दे रखिए। इन 12 निब्स को आप इसमें यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर ये निब ख़राब होता है इसको निकालिए और ये वाली को लगा दीजिए। इस टाइप से आप बहुत दिनों तक आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो ये निब्स हो गई, ये पेन हो गया। ठीक है, और देखते हैं और क्या चीज़ है। ये ड्राइंग ग्लव्स है, इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट हैंडर हो तो आप इस टाइप से पहनेंगे इसको, ये है पहनने का तरीका। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है इसका रीज़न बताता हूँ। जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो आपकी स्किन उस डिवाइस को, यानी जो आपको पेंटेव है उसको टच ना करे, इस कारण से ये दिया जाता है ताकि आप इजीली उसको लिख सके और उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना जाए। अगर आप एक राइट हैंडर हैं तो आप राइट हैंड में भी पहन सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको पहन सकते हो। अब राइट हैंड वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए राइट हैंड वाले हैं, मैंने राइट हैंड में इसको पहन लिया है, इसको भी आप इस टाइप से लिख सकते हो। ये देखिए आप इस पेन को पकड़ेंगे और इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो आपके पेन पेन टेप के ऊपर, और पेन टेप को भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उस आपकी स्किन उसको टच भी नहीं करेगी, इस कारण से दिया होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है इसके बाद हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं हम इसको, ये देखिए यहाँ पे एक बारकोड दे रखा है, इस बारकोड के थ्रू आप इसके जितने भी ड्राइवर्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ सारे उसके एड्रेस लिखे हैं, सारे एड्रेस इनमें से कोई से कोई भी डाउनलोड करके आप इसके जो ड्राइवर्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, इस कारण से दी है। इसके बाद ये आपके मैनुअल है, किस प्रकार से आप इसको ऑपरेट करेंगे, इस सब ऑपरेट करने के लिए ये सारी चीज़ दे रखी है। ओके, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इस बॉक्स में मिला है। आपको एक केबल मिली है जिसको अपन कनेक्टिंग केबल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये दो कनेक्टर मिले हैं। ठीक है, एक सी टाइप है, एक नॉर्मल वाला टाइप है। इसके बाद आपको एक पेन मिला है, ये पेन है। इसी के साथ आपको क्या मिला है, पेन होल्डर मिला है जिसपे आप पेन को होल्ड कर सकते हो। इसी के साथ आपको 12 यानी 12 ये
निप्स मिली है जिसको आप समय समय पे बदल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको ये ग्लव्स मिला है जिसको यूज़ करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा टेप बता देता हूँ कैसा है ये। मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, ये देखिए ये टेप है, ओके, ये टेप हो गया। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे एक और स्किन लगी है, यहाँ पे आप जैसे इसको अपन ओपन कर सकते हैं, ये ऐसे आपको ओपन करना ही करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप इस स्किन को, स्किन गार्ड को लगा सकते हो ताकि आपकी ये जो स्क्रीन है वो ख़राब ना हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये कुछ मार्क डले हुए हैं, ये मार्क हैं, ये मार्क इस बात को इंडिकेट करता है कि ये आपका वर्किंग एरिया है, इतनी जगह में आप काम कर सकते हो, इस तरह से ये मार्किंग आपको दे रखी है। साथ ही में आपको ये देखिए कुछ कीज़ दे रखी है, ये कस्टमाइज कीज़ हैं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यानी कौन सी की पे आपको कौन सा चीज़ रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो इन द सेंस कि कौन सा ऑपरेशन आपको कौन सी की पे रखना है, ये आप इस पर कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये था आज का अनबॉक्सिंग, आशा करता हूँ कि आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।